नरेंद्र मोदी जी कितने वर्षों से है वो तो बार बार कहते हैं दो करोड़ युवकों को रोजगार देंगे एक भी नहीं दिया सभी स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो भी नहीं कर रहे हैं अभी जब बिहार की बात आती है वो गरीब राज्य है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की बात होती है तो वो नकार जाते हैं बिहार की जनता गद्दी से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी क्योंकि बिहार का ही नहीं सवाल है पूरे देश का सवाल है अगर बिहार गरीब राज्य है तो उसको आपको मदद करनी चाहिए नहीं करोगे जनता इसका जवाब देगी लेकिन न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि अगर विशेष राज का दर्जा मिल जाता है तो दो साल के अंदर गरीबी खत्म कर देंगे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा जी सर लगातार आप लोग एक बार फिर से मांग कर रहे हैं लेकिन बीजेपी की ओर से तो कहा जा रहा है कि संभव ही नहीं है विशेष राज्य के दर्जा देना देखिए विशेष राज का दर्जा बिहार को इसलिए मिलना चाहिए कि बिहार एक गरीब राज्य सब लोग जानते हैं पूरे देश के लोग जानते हैं और जानबूझ के ये आज का नहीं डिमांड है ये डिमांड पहले से है और आज नरेंद्र मोदी जी कितने वर्षों से है वो तो बार बार कहते हैं दो करोड़ युवों को रोजगार देंगे एक भी नहीं दिया सभी स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो भी नहीं कर रहे हैं अभी जब बिहार की बात आती है वो गरीब राज्य है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की बात होती है तो वो नकार जाते हैं क्या जनता ने उनको चूंके प्रधानमंत्री नहीं बनाया है ये उनको सोचना चाहिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल बिहार के लिए जायज़ है अगर वो नहीं देंगे तो 2024 के चुनाव में मैं आपको बता दूं लोकसभा में बिहार की जनता गद्दी से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी क्योंकि बिहार का ही नहीं सवाल है पूरे देश का सवाल है अगर बिहार गरीब राज्य है तो उसको आपको मदद करनी चाहिए नहीं करोगे जनता इसका जवाब देगी लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज के तौर पर मदद दिया जाता रहा है तो विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है नहीं बिल्कुल गलत कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है जो हम लोग का शेयर जाता है चाहे जी हो टैक्स में जाता हो वो शेयर मिलता है कोई अलग से उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया रिकॉर्ड में है अगर वो बोल रहे हैं तो वो गलत है जिससे वो दो हजार से खाली झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि नौकरी देंगे पंद्रह पंद्रह लाख रुपये हर गरीबों को देंगे लाख के वो बिल्कुल बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बोलना और करने में फर्क है बिहार की जनता सब देख रही है लेकिन जी उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि तैतीस सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही है बिहार को केवल वो लोग गरीबी में ढकेलते ही जाते रहे उनको उबारने का कोई प्रयास ही नहीं ऐसा नहीं, नहीं है वो लोगों ने बहुत विकास किया है आप अगर शिक्षा के मामले में देखेंगे तो बच्चों को पढ़ाने का काम किया है बहुत सारे विकास हुए ऐसा नहीं है बोलने और करने में फर्क है वो इसलिए बोलते हैं वो केंद्र सरकार कुछ कर नहीं है इसलिए किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है सूर्य को ऐना मत दिखाइए बिहार की जनता सब देख रही है एक आखिरी सवाल है सर की दो का चुनाव आ रहा है बीजेपी ये भी कह रही है कि चुनाव नजदीक आते ही विशेष राज्य का सिगुफा लालू यादव और नीतीश कुमार छोड़ने लगते हैं नहीं ये आज का बात नहीं है पहले से मांग हो रही है वो गलत बोल रहे हैं किसी बात इस बार भी मांग किया गया हर साल मांग किया जाता है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अनदेखी कर रहे हैं बिहार का वो जनता उनको माफ नहीं करेगी बहुत बहुत धन्यवाद ये अजीत शर्मा दिल्ली से न्यूज फॉर्डेशन के लिए मैं धीरज सिंह